श्री नैना देवी उपमंडल के तहत लगाए गए इंटर स्टेट बैरियर का एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम तथा डीएसपी नैना देवी अभिमन्यु वर्मा के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा नाकों की व्यवस्था सहित इस निरीक्षण में प्रशासनिक अमले द्वारा पुलिस जवानों से नए नियमों के बारे में चर्चा भी की गई। इस निरीक्षण के तहत एसडीएम व डीएसपी द्वारा गरामोड़ा बहल टोबा शैला घोड़ा इत्यादि इंटरस्टेट बैरियर की व्यवस्था भी जांची गई। एसडीएम सुभाष गौतम ने बताया कि सभी इंटरस्टेट बैरियर पर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जिनका डीएसपी के साथ उन्होंने निरीक्षण किया है तथा सारी व्यवस्था जांची है। जो सरकार के निर्देश हैं उनका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी व्यवस्था जांची गई। उन्होंने कहा कि नाकों पर हर जगह आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। श्री नैना देवी जी उपमंडल के तहत विभिन्न स्थानों पर हमने इंटरस्टेट नाकाज लगाए हैं, उनके निरीक्षण के लिए डीएसपी साहब के साथ जो है हम राउंड पे हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो सही तरीकों से चल रही है, किसी तरह के जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में प्रॉपर पालना हो रही है, या कोई जो हमारे ऑन ड्यूटी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देशों के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको क्लियर किया जाए। तो इसके संबंध में ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो है समस्त नाकों पे आज हम जा रहे हैं। पुलिस के जो मंडल के मुखिया हैं डीएसपी साहब वो भी साथ में हैं, और अभी हम गड़ा मोड़ा का निरीक्षण करके आए हैं। वहाँ भी जो समस्याएं ऑन ड्यूटी पर्सनल को आती हैं या लोगों को आती हैं उनको रिजॉल्व करने के उपरांत अभी बहल नाके पे आए हैं। इसके उपरांत जो उपमंडल में अलग और नाके लगे हैं, चाहे वो टोबा में है या आपके बरमला में है या फिर आपके सहेला घोड़ा में है, ये बाकी नाकों का भी जो है निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं की जो है जाँच करेंगे। थैंक यू।